नमस्कार, naukinews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले, दिल्ली में दरअसल वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। 15 अक्टूबर के बाद अगर दिल्ली सरकार के कर्मचारी दफ्तर में आते हैं और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अगर एक भी टीका नहीं लगवाया, तो उनको घुसने नहीं देंगे। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। मैंने कल भी बहुत सारे अपने वीडियो में सवाल डिस्कस किए थे, और हमारा जो मसला है वो ये है कि क्या वैक्सीन मैंडेटरी करना चाहिए, क्या वैक्सीन मैंडेटरी करके हम अपने समाज के, अपने देश के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, क्या वैक्सीन का ये सही इस्तेमाल है। अब ये एक ऐसा मसला है जिस पे अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास अगर आप कहें तो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय रॉय, कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने काफ़ी जो है वो इस पर काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लगातार इससे जुड़े हुए हैं। कई सारी वैक्सीन में वो जो इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी कोवैक्सीन है उसके भी इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। CDC में, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके उन्होंने वैक्सीन को केयर को सुपरवाइज किया है, वैक्सीन के प्रोसेस को, और वो एक्सपर्ट हैं कुल मिला के, और वो ऐसे कोई टीका विरोधी व्यक्ति नहीं है। उनसे हम बात करेंगे, वो एम्स में हैं, बहुत सीनियर जगह पे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट और जिम्मेदार काम कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैक्सीन मैंडेटरी की जा रही है क्या कहाँ तक ज़रूरी है। कुछ सवाल मेरे भी हैं, मेरी क्वेरीज भी, उनको भी हम पूछेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका naukinews.com पे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा जी धन्यवाद आप लोगों का। जी जी डॉक्टर साहब, मेरी क्वेरी ये थी कि हमने बहुत सारा दिल्ली में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट जब आया था तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला, बड़ी संख्या में लोगों को उसने छुआ, वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस था, बहुत सारे लोगों के पास से होके गया, बहुत सारे लोग सिम्टोमेटिकली इन्फेक्ट हुए, बहुत सारे सीरो सर्वे हुए, एम्स ने सीरो सर्वे किया, आपके नेतृत्व में सीरो सर्वे हुआ, ICMR ने किया, WHO ने किया, तो वो जो सीरियस सर्वे की फाइंडिंग्स थी जिसमें वो क्या थी, उसमें दिल्ली में कितने लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी है, इम्यूनिटी आ चुकी है। देखिए, इस पे आने से पहले मैं थोड़ी बता दूं, एक तो साइंटिस्ट हैं हम, जो भी ग्लोबल एविडेंसेस हैं या लोकल एविडेंसेस हैं हम उसी की बात करना चाहेंगे। जो एविडेंसेस आज की डेट तक है वो ये दर्शाते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन एक बार हो गया, जिनकी डेथ होनी थी, जैसे सेकेंड वेव में काफ़ी लोगों की डेथ हुई, वो हो गई, लेकिन जो रिकवर्ड हैं आज की डेट में शायद बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन है इस धरती पे, अगर हम कहें कोविड से कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन है, तो शायद वही है जिसको एक बार नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद वो रिकवर्ड हो चुका है। स्पेशली जो डेल्टा वेरियंट के बाद, क्योंकि डेल्टा वेरियंट का जो थोड़े से एविडेंसेज आ रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी या पुराने सारे वेरिएंट को कर पा रहा है। इवन अगर, लेकिन पुराने वेरिएंट से भी है जो एविडेंस देखने का मिला, जैसे मैं धरावी की बात करूं, अब आपको याद होगा धरावी जो है पिछले साल 2020 में अप्रैल मई में पूरी दुनिया के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ था, एक जियोग्राफिकल एरिया से इतने नंबर ऑफ केसेस नहीं आ रहे थे। अभी जो है आप देखें तो 90% केसे हाई राइज बिल्डिंग से आ रहे हैं। धरावी हमारा कोई भी केंद्र नहीं था कि हॉट स्पॉट है, इसकी चर्चा इम्यून हो गया, उसको कुदरत का टीका लग गया, भगवान का टीका लग गया। आप जी हाँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि नेचुरल इन्फेक्शन लंबे समय तक प्रोवाइड कर रहा है, बेटर प्रोवाइड कर रहा है। वैक्सीन का जो है बेनिफिट, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था, इस पर मैं आऊंगा, मैं आना ही चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सिलसिलेवार बढ़ना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली में इन्होंने वैक्सीन मैंडेट किया है, तो दिल्ली में जो हमने सीरो सर्वे किया, सीरोलॉजिकल सर्वे किया, उसमें कितने लोगों के अंदर, कितने परसेंट लोगों के अंदर इम्यूनिटी पाई गई इसको वायरस को लेके? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो सीरो सर्वे किया था वह तो सेकेंड वेव से पहले किया था, 51% के आसपास टोटल पॉपुलेशन में था हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा इसमें से दिल्ली और पुणे में था, देखा जाए तो सीरो पॉजिटिविटी, सीरो पॉजिटिविटी का मतलब यह है कि जितने लोगों को एटलीस्ट इन्फेक्शन हो चुका था, क्योंकि उस समय तक कोई वैक्सीन नहीं आया था, वैक्सीन से भी पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं, बट उस समय तक नहीं था, तो ये था। जो अभी ऑफिशियल कोई डेटा नहीं आया है, बट जो लोकल लेवल पे सीरो सर्वे हुए हैं उनका चूँकि पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कंट्रोल है,
जो दिल्ली में पिछले 3-4 महीने से जो है 2 डिजिट में केसेज आ रहे हैं, वह क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका था और उससे प्रोटेक्शन है। नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद जो है री इन्फेक्शन होने के चांसेज ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, रेयर है, और री इन्फेक्शन अगर होता भी है तो सीवियरिटी न के बराबर होती है। जी, डॉक्टर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सीरो सर्वे हमारा, मैं कुछ पढ़ रहा था कि यहाँ पे जो WHO, एम्स और ICMR का एक सीरो सर्वे हुआ था जिसमें दिल्ली और फरीदाबाद के आसपास के इलाके जो डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके थे, कुछ बच्चों के भी सैंपल लिए गए थे और उसमें 70-80% के आसपास इम्यूनिटी जो मैं उस पे आ रहा हूँ, वो तब था, वो जो सीरो सर्वे हमने, चूंकि आई एम पार्ट ऑफ दैट स्टडी, वो हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं करते हैं, हम 5 जगहों पे करते हैं, दिल्ली में करते हैं, गोरखपुर में करते हैं, त्रिपुरा में करते हैं, पांडिचेरी में करते हैं, तो 5 और भुवनेश्वर में करते हैं, तो 5 जगहों पे सेम पॉपुलेशन का हम देखते रहते हैं सीरो सर्वे करके कि क्या क्या ट्रेंड है, और हम एंटीबॉडीज को भी मॉनिटर करते हैं। मैं उस पर अभी वह जो है जो डेटा जिसकी आप बात कर रहे हैं वह चूंकि दिल्ली में जो है जिस एरिया का था वहाँ थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और वह सेकेंड वेव के पहले का था जो 70-80% आप कह रहे हैं। ओके, वह जो है जस्ट सेकेंड वेव के पहले का था, अभी सेकेंड वेव शुरू नहीं हुआ था उस समय का था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकेंड वेव आने के बाद क्या स्थिति होगी। और मैं अभी चूँकि पब्लिक डोमेन में डेटा नहीं है उसका, अभी हम उसको पब्लिश करने वाले हैं, अभी इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट भी अपना सीरो सर्वे कर लेगी, वो बढ़िया रहता, शायद वो सीरो सर्वे अभी तक उन्होंने कोई प्लान नहीं किया है, अभी तक कोई सीरो सर्वे नहीं हुआ। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सीरो सर्वे करना चाहिए, सीरो सर्वे जो है हमें गाइड करता है कि अगर ज़्यादातर लोगों को हो चुका है इन्फेक्शन तो हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होने वाला है, यह एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, इसको हमें उस जगह पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे नहीं है, अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उन जगहों पे शायद सीवियरिटी हम थोड़ी रोक सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उनको दे दें कम से कम। जी, कुछ एक चीज़ें और भी हैं, देखिए मैं अगर इस मैं कुछ डाटा पे काम कर रहा था कि जो अगर हमने इतने बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन किया पूरी दुनिया में, उसके बाद पे हम जब आप डाटा देखते हैं कि जो हमारी मॉर्टेलिटी रेट थी कोविड के आने के बाद, मॉर्टेलिटी रेट मतलब अमंग हॉस्पिटलाइजेशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और या फिर अमंग पॉजिटिविटी केसेस, तो आप देखिए, हाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क आया नहीं। जी जी, बहुत ज़्यादा केस फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, और उसमें अगर जो नीचे भी आया है उसमें बड़ी संख्या में जो नेचुरल इम्यूनिटी है जिसको आप हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, बीच में तो कुछ वैज्ञानिकों ने जैसे डॉक्टर फाउची हैं उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी टीका से आने वाली इम्यूनिटी को ही हर्ड इम्यूनिटी कहना शुरू कर दिया था। खैर जो भी है, अब हमारे यहाँ जो लेवल बढ़ा, लोगों का इम्यूनिटी का लेवल बढ़ा, उस लेवल को बढ़ने के बाद में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि भाई अगर आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर जगह में, ये केरल है, ये पहली वेव में आपने बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर दिया तो वहाँ पर वो बीमारी बढ़ रही है, पहली जगहों पे जहाँ बीमारी फैल गई थी वहाँ पे अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आ गई और दोबारा से, जैसे आपने धारावी का एग्जांपल दिया, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ का सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो सीरो सर्वे के को देखते हुए उन जगहों पे ज़्यादा फोकस करे वैक्सीनेशन पे, दूसरी चीज़ों पे जहाँ पे अभी तक लोग बीमार नहीं हुए हैं या अभी तक उनके ऊपर कोरोना का इन्फेक्शन नहीं पहुँचा है, जहाँ पे इम्यूनिटी का लेवल कम है। देखिए इस पे हमने आज से 4-5 महीने पहले, सेकेंड वेव अभी ख़त्म हो रहा था, अभी सेकेंड वेव चल ही रहा था, तभी कहा था कि जिस तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है हम लोगों को चाहिए जो भी साइंटिफिक एविडेंस है उसको जनरेट करके और उसके अनुसार एक्शन लेना चाहिए। और आप, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है वहाँ देने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उन जगहों पर देने से फ़ायदा होगा जहाँ पर अभी इन्फेक्शन कम हुआ है। और देखिए जो वैक्सीन है, वैक्सीन से पहले हमें लगता था कि शायद हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन से भी आ सकती है, देखिए हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट वे में उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो वैक्सीनेटेड नहीं है किसी कारण से, या उनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है सो उनके पास इम्यूनिटी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं दे सकते वैक्सीन या ये, लेकिन
ये जो वैक्सीन है कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो इन्फेक्शन नहीं रोक रही है। आपको इन्फेक्शन तो ये जो लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी तो कभी भी से नहीं आएगी, बाकी वैक्सीन में आती है, कोविड वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आने वाली है ये देख के लगता है। हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन से आएगी। हाँ, हमने इसराइल का एग्जांपल देखा, इसराइल में इतना एग्रेसिव वैक्सीनेशन हुआ उसके बावजूद इसराइल है, यूके है, आपका यूएसए है, सेशल्स एक छोटी सी कंट्री है उसका देख लीजिए, पहली कंट्री ऐसी है दुनिया में जिसने सबसे इसराइल से भी पहले अपने 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया था सेशल्स ने, और आज की डेट में सेशल्स जो है नंबर वन है पर मिलियन केसेस में, पिछले 3 महीने से अगर आप देखें तो सेशल्स नंबर वन है, सेशल्स नंबर वन वैक्सीन लगाने में भी था, उसके बाद सेकंड नंबर इसराइल का आता था 60% पॉपुलेशन में, अब तो इसराइल से ऊपर कई कनाडा इसराइल से ऊपर है, कई कंट्री पहुंच गए हैं, बट शुरू के फर्स्ट 60% पॉपुलेशन को दोनों डोज से जो है वैक्सीनेट करना, फर्स्ट सेशल्स था, सेकेंड नंबर इसराइल था, और आज सेशल्स जो है फर्स्ट नंबर है नंबर ऑफ केसेस में भी, उसके पहले तक सेशल्स का जो है आप देखें तो वीकली जो है 1 केसेस के आसपास आ रहा था, 0 to 1 केसेस, और दिसंबर तक कोई डेथ्स नहीं थी, नॉट ए सिंगल डेथ जो है सेशल्स ने, क्योंकि छोटा कंट्री है, 115 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स पे वो है तो वहाँ स्प्रेड होने में दिक्कत थी, बट आज की डेट में उसने सबसे ज़्यादा वैक्सीन भी लगाई, मार्च में ही उसने ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन को कर दिया था अपने वैक्सीनेट, और ये जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन जो है इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं कर रहा है, बट अगर ससटुल पॉपुलेशन में देते हैं तो जो भी एविडेंसेज हैं हमारे पास कि सीवियरिटी कम कर रहा है, डेथ कम कर रहा है, बट ससटुल पॉपुलेशन में जिनको इन्फेक्शन हो गया वो ससटुल पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए उनको देना जो है नुकसानदेह भी हो सकता है, उनको देना नुकसानदेह भी हो सकता है। जी जी, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर किसी एक आदमी को हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, वो नेचुरल तरीके से माफ़ कीजिएगा इंडिविजुअल में तो आती नहीं है हर्ड इम्यूनिटी, अगर एक आदमी नेचुरल तरीके से उसको इन्फेक्शन हुआ, उसको कुदरत का टीका लग गया, भगवान का टीका लग गया, या ये कहें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो डेल्टा वेरियंट था ये वरदान के तौर पर आया, उसने बहुत सारे लोगों के प्राण लिए दुखद तरीके से, लेकिन पूरी सोसाइटी को वो इस वायरस से इम्यून करके चला गया, बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड कर रहा था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स दुनिया के ऐसे हैं जैसे डॉक्टर फाउची हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको एक बार कोविड हो चुका है तब भी आप एक टीका ले लीजिए तो आपकी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी, ये कौन सा गणित है, ये मैं समझना चाहूँगा चूंकि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, आप एक्सपर्ट हैं आप बता सकते हैं। देखिए, गणित तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, मैं भी जो भी ग्लोबल साइंटिफिक एविडेंसेज है, एविडेंसेज हम कहते हैं जो पब्लिकेशंस होते हैं उस बेस पे ये कहता हूँ, या डेटा को हम एनालाइज करके ही एविडेंस जनरेट करते हैं। मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूँ, मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ MBBS और MD के साथ मैंने एपिडेमियोलॉजी पढ़ी है, एपिडेमियोलॉजी पढ़ाता हूँ लोगों को, तो इसलिए जो है डेटा, बिना डेटा एनालाइज किए हुए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जो डेटा एनालाइज करने के बाद ही हम ये कहते हैं कि देखिए नेचुरल इन्फेक्शन बेटर लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर आप कंपेयर करें किसी भी वैक्सीन से जो ये है आपके फाइजर मॉडर्ना के जो है जिनकी 95% एफिकेसी की जा रही, उनसे भी अगर नेचुरल इन्फेक्शन को करें तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है, लंबे ड्यूरेशन तक है और बेटर है। दूसरा देखिए, वैक्सीन से मैंने कहा ससटुल पॉपुलेशन में देने से फ़ायदा है, वैक्सीन है, ऐसा नहीं कि वैक्सीन जो है वैक्सीन से रिलेटेड कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है ससटुल पॉपुलेशन में देते हैं, स्पेशली जो है एबव 45 में अगर हम दे रहे हैं तो बेनिफिट होता है ससटुल में। लेकिन अगर जैसे पर मिलियन के आसपास 2 से लेकर 10 तक सीरियस एडवर्स इवेंट होते हैं जिसमें डेथ भी हो सकती है वह, लेकिन हम करीब 1000 के आसपास ससटुल पॉपुलेशन में जान बचाते हैं, तो अगर 10 की जाती भी है तो वह फायदेमंद है, लेकिन अगर वही नेचुरल इन्फेक्शन वाले लोगों पे आता है तो उनमें जान जाने की संभावना न के बराबर है, यह रिस्क वहाँ भी रहता है कि पर मिलियन में 10, तो यहाँ अगर रिस्क बेनिफिट हम एनालिसिस करें तो रिस्क यहाँ ज़्यादा है जो नेचुरली रिकवर्ड हो चुके हैं एक बार इन्फेक्शन के बाद, इसलिए हम लोग कहते हैं कि उनको देने की ज़रूरत नहीं है, न सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं, उनको हम रिस्क पे डाल रहे हैं, तो ये अनएथिकल है, जो बेसिक प्रिंसिपल मेडिसिन के उसके अगेंस्ट है, इसलिए उनको देने की जरूरत नहीं है, हमें वैक्सीन देना चाहिए। जी जी हाँ, वैक्सीन देना चाहिए ससटुल पॉपुलेशन को जहाँ नहीं इन्फेक्शन हुआ है, और अब समय आ गया है कि हम ये पता करें, क्योंकि ज्यादातर हिस्से को जो है
वैक्सीन जो है ये नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। एटलीस्ट मैं अपनी कंट्री की बात करूं, ICMR हमारे ने सीरो सर्वे किया, टाइमली सीरो सर्वे कर लिया, उस समय ही जो है 68% के आसपास लोगों को हो चुका था, बच्चों में भी हो चुका था। अब जो है समय आ गया है कि शायद जिनको IgG करें और एक बार हम जो है उनको सर्टिफिकेट दे दें कि यह जो है प्रोटेक्टेड है। वैक्सीन से सर्टिफिकेट देने से हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वह इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहा है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की संभावना जो है कम सबसे उन्हीं में है जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिनको नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन हुआ है उनके अंदर वायरस नेचुरल रूट से भी गया है, उनके अंदर जिंदा वायरस गया है, तो शरीर जो उस वायरस को लेके मुझे लगता है ज्यादा ट्रेंड हुआ है कि जो इंट्रामस्कुलर एक मरा हुआ वायरस का टुकड़ा डाल रहे हैं उसके मुकाबले, ऐसा मतलब मैं एक कॉमन मैन के तौर पर मुझे लगता है। आप बिल्कुल देखिए, होता क्या है जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो शरीर के अंदर आके वायरस जो मल्टीप्लाई करता है, और वह जब मल्टीप्लाई करता है तो आपकी इम्यून सिस्टम को बार बार स्टिमुलेट करता है और तो प्राइम्ड हो जाता है आपका इम्यून सिस्टम, यही काम वैक्सीन करता है। बट वैक्सीन जैसे या तो किल्ड दे रहे हैं या स्पेसिफिक इसके दे रहे हैं, वह उस तरीके की इम्यूनिटी नहीं जनरेट कर पाता, सो प्रोटेक्शन लेवल इसलिए हमेशा बेटर देता है। किसी भी नॉट ओनली कोविड में, किसी भी वायरल डिजीज में इस टाइप में नेचुरल इम्यूनिटी जो है हमेशा बेटर प्रोटेक्शन देता है। रिस्पायरेटरी डिजीज, मिजल्स की मैं बात करूं, मिजल्स जो है वो भी रिस्पायरेटरी डिजीज है, एक बार अगर हो जाता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, इवन उसका वैक्सीन भी बहुत अच्छा है, देने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, एक ही बार देते हैं मिजल्स का। वैसे ही जो है चिकन पॉक्स है हमारा, जो है आपका स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, एक ही डिजीज है रिस्पायरेटरी जिसको हमने इरेडिकेट किया है वह है चिकन पॉक्स। जैसे पोलियो है ओरोफिकल रूट से होता है, लेकिन हमने इरेडिकेट अभी तक नहीं किया है, अभी तक उसको हमने कंट्रोल किया हुआ है, तो इलिमिनेशन हमने किया हुआ है बट इरेडिकेट नहीं किया हुआ है। जी तो डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक रिसर्च आया था, एक स्टडी थी उनकी, उन्होंने बॉनमेरो में जाके कुछ सैंपल्स लिए और उनको स्टडी किया, और उनका कहना यह था कि जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है उन लोगों के अंदर कुछ मेमोरी टी सेल बनते हैं जो उनके बॉनमेरो में पाए गए हैं, और वो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देते हैं कोविड से, कभी जिंदगी में उनको टीके की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अभी जो हम काउंट करते हैं कि लॉन्ग प्रोटेक्शन, वो एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को काउंट करते हैं, लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो एंटीबॉडीज धीरे धीरे सबसाइड हो जाती हैं और दोबारा इन्फेक्शन आता है तो फिर जनरेट कर देती है, ये बात इस पर आपकी क्या राय है? देखिए वह उन्होंने नेचर में इसको पब्लिश भी किया हुआ था, क्योंकि हम ट्रैक रखते हैं साइंटिफिक एविडेंसेस जो भी जनरेट होते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मेमोरी टी सेल उसमें है आ रही हैं, ये लगता है कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो है दे। अभी हम इस पर ये नहीं कह सकते कि लाइफ टाइम देगा या नहीं देगा, बट संभावना उसकी ज़्यादा है कि लाइफ टाइम देगा, ये संभावना है। और वही नहीं, और ये देख के भी लग रहा है कि लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई वैक्सीन उतना प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, वैक्सीन प्रोटेक्शन दे रहा है सीवियरिटी से, इन्फेक्शन से वैक्सीन जो है ऑलमोस्ट नहीं दे रहा है। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये जो सीवियरिटी वाली बात आपने कही है वैक्सीन से, मैं माफ कीजिएगा टोक रहा हूँ आपको, तो सीवियरिटी का जो लॉजिक आता है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं और फैटलिटी प्रिवेंट करते हैं कि किसी आदमी की डेथ कम होगी, नहीं होगी तो नहीं कह रहे हैं, और ये अगर ये बात आती है वैक्सीन को लेकर तो ये एक बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए मैंने वैक्सीन ले ली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं कंट्रीज, उनकी भी बात कर लीजिए, सिंगापुर है आपके पास में, इसराइल है और भी बहुत सारे हैं। अगर इन कंट्रीज के अंदर आज में अगर आप सुबह खोलते हैं इंटरनेट और वहां पे एक डेटा आता है कि आज इतने केसेस आए, इतने पॉजिटिव केसेस आए, आज की तारीख में जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, जब हमने 50-60-70% लोगों को वैक्सीन दे दी है, तो ये जो केसेस का नंबर है इसकी रिलेवेंस कितनी रह गई है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि उसने टीका लगा लिया, अब उसका हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होगा, डेथ भी नहीं होगी, तो हम ये नंबर काउंट किस लिए कर रहे हैं? क्या हम कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कोरोना को लेकर, पहले तो एक अवेयरनेस लानी थी, क्या कहीं डराने की कोशिश हो रही है, उसकी पिक्चर ज़्यादा बड़ी दिखाई जा रही है? जहाँ तक नंबर की बात है, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
सीवियरिटी होना, डेथ होना, मैंने कहा ससरेबल पॉपुलेशन में, अगर आप किसी को ऑलरेडी पहले इन्फेक्शन हुआ है उनको भी दे रहे हैं तो सीवियरिटी कम आएगी ओवरऑल, क्योंकि ये सेफ नेचुरल इन्फेक्शन से बेटर प्रोटेक्टेड है। हाँ, लेकिन जो भी हमारे पास एविडेंसेज हैं, जो भी पब्लिकेशंस हैं इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स के पब्लिकेशन है, उस समय उसकी पॉपुलेशन ससरेबल था, क्लिनिकल ट्रायल में उन्हीं को इंक्लूड किया जा रहा था जो ससरेबल पॉपुलेशन था, तो ससरेबल पॉपुलेशन में जो है सीवियरिटी और डेथ कम हो रही है। उस समय लगता था कि इन्फेक्शन भी कम हो रहा है, बट इन्फेक्शन नहीं कम हो रहा है। इन्फेक्शन अगर आप देखें तो अभी CDC का पे देख लीजिए, उनका वीकली रिपोर्ट निकलती है MMWR, मैस्यूट में जुलाई मंथ में जितने इन्फेक्शन हुए हैं न्यू इन्फेक्शन, उनमें जो है ऑलमोस्ट 72-73% इन्फेक्शन जो है न्यू इन्फेक्शन जो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, मतलब दो डोज लगने के दो हफ्ते बाद, इसका क्लियर कट उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है। और जबकि वहाँ पे करीब 50-60% पॉपुलेशन के 50-60% के बीच में ही फुली वैक्सीनेटेड है, तो फुली वैक्सीनेटेड 50-60% है, जबकि न्यू केसेस में टोटल जो है कंट्रीब्यूशन इनका जो है मैस्यूट में अगर 73% है, तो उसकी मीनिंग है कि यह जो है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में सक्सेस नहीं है। बट डेथ अगर कम हो रही है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। UK में देखिए अभी भी डेथ्स जो है, मेरा पॉइंट अलग था। अगर मैंने वैक्सीन ले ली है, मैंने वैक्सीन ले ली है, आप ये कहते हैं कि डेथ प्रिवेंट करती है, और आप ये भी कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की संभावनाएं कम करती है, तो फिर मुझे अगर मुझे पहले पॉजिटिव आता और वैक्सीन लगाने के बाद आज पॉजिटिव आता है, तो इन दोनों सिचुएशन में दोनों इन्फॉर्मेशन का में अंतर है। वो इन्फॉर्मेशन थी, वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कंसर्न हो सकती थी, आज जो इन्फॉर्मेशन है वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज भी हम रोज सुबह जो कोरोना वायरस का डाटा छापते हैं, कि इसकी क्या रिलीवेंस रह गई, ये पॉइंट पर है सर। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए हमने तो जब कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, जब कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब कि हमें पता नहीं चलता कि किसको किससे इन्फेक्शन हो रहा है, ये हमने बहुत पहले कहा था एज ए इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और हमने एक ग्रुप भी बनाया था, और ग्रुप का मकसद था कि गवर्नमेंट को सही सलाह बार बार देते रहना। हमने बहुत पहले कह दिया था कि अब जो है ये इतने टेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको टेस्ट कीजिए, और उनको जो है आप जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देना हो वह दिया जाए। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कोविड का जो है, हमारे पास कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कोविड के वायरस को मारता है, तो हमें वो करना चाहिए। इतना जो है उसका कोई रेशनल नहीं है टेस्ट करके जो है और सिर्फ पॉजिटिविटी पता कर लेना कि इतने नंबर ऑफ केसेज हो गए, 4 लाख केसेज हो गए, 2 लाख केसेज हो गए। हमारा जो है सारा ध्यान जो है अब उस पर होना चाहिए कि कितनी डेथ हो रही है, उन डेथ्स को हम कैसे बचा सकते हैं, न कि केस गिनने का। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शायद जो है हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, कन्वे नहीं कर पाते। ये जो ग्रुप हमने बनाया था, इस कंट्री के नॉन एपिडेमियोलॉजिस्ट अगर आप देखिए, उनमें 20 हमारे वेबसाइट पे इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की वेबसाइट पे हुआ है, वो कंट्री के नॉन वेबसाइट हैं, नॉन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो हमेशा सलाह देते रहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं। और मेरे ख्याल से आपके पास 20 हैं, पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुल्क होगा जिसके पास 20 एक साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये एक रेयर टाइप की मेरे ख्याल से स्पेशलाइजेशन है डॉक्टर्स का। और हमने उनको दिया, हमने इस पे जो आप कह रहे हैं यही रिकमेंडेशन हमने बहुत पहले गवर्नमेंट को दे दिया था, शायद जो है हम अपनी बात ठीक से कहने में उनको कन्विंस नहीं कर पाए हैं। देखते हैं धीरे धीरे एक्शन होता है और होगा, आज नहीं कल होगा। जी ठीक कह रहे हैं, मुझे आपकी सारी बातें सुन के और बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ, अपने वीडियोज में कह चुका हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि अब जो फोकस करने की जरूरत है वैक्सीनेशन से हटा के, जैसे जैसे जो जो बॉल आए वैसे वैसे उसको खेलना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए अगर हमारे पास केसेस आए तो उनको सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीट करें, अपने ट्रीटमेंट की चीज़ों को रिफाइन करें ताकि साइड इफेक्ट्स कम हो और कम से कम मोर्टेलिटी में ट्रीटमेंट कहीं कंट्रीब्यूट ना करे, उन चीज़ों को बेहतर करें और सारा फोकस ट्रीटमेंट पे दें, इन्फेक्शन पे अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप 10 को वैक्सीन लगाते हैं, 500 के पास डिसीज आपसे पहले पहुँच जा रही है और वो उनको इम्यून कर रही है, तो आपके इस वैक्सीन का कहीं से भी उस तरह से कोई जो रिजल्ट आने चाहिए और जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी उसके हिसाब से नहीं चल पाई है वैक्सीन, मुझे ऐसा लगता है।
वैक्सीन का जो एक्सपेक्टेशन था कि इन्फेक्शन भी रोकेगा और सीवियरिटी डेथ रोकेगा, इन्फेक्शन रोकने में उतना कारगर नहीं है, बट सीवियरिटी डेथ में जो भी ग्लोबल डेटा है मैं अभी तक मानूंगा कि उसमें हुआ, बट ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जिनको इन्फेक्शन। सर इसमें एक पॉइंट है मेरा, एक बहुत छोटा सा एक असहमति आपसे, वो ये है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन होने के बाद डेथ रेट कम हुई है वो वैक्सीन के कारण हुई है या नेचुरल इन्फेक्शन के कारण हुई? क्या इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल है जिसमें ये पता चले कि ये जो ये, हाँ बिल्कुल नेचुरली इन्फेक्टेड था, हाँ, और ये अभी वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी हमने इसको दी? ये समय बताएगा कि इस पे अभी इस टाइप का जो है नहीं है, बट चूंकि नेचुरल इन्फेक्शन वर्सेस वैक्सीनेशन इस टाइप की स्टडीज हैं उनमें वो पाया गया है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है वह बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, लंबे ड्यूरेशन के प्रोटेक्शन दे रहा है। कुछ स्टडीज जो है नेचुरल इन्फेक्शन वालों को जो है अच्छे 7-8 महीने तक फॉलोअप किया हुआ है कि इनमें कितनी को डेवलप हो रहा है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जनवरी में पब्लिश हुआ था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, 12,000 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का किया था, वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन मैं कहूँगा, क्योंकि इन्फेक्शन देखने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ता है, सिर्फ सिम्टम नहीं, हर 15 दिन पे उन्होंने RT-PCR की थी। जिनका जो है बेसलाइन में IgG पॉजिटिव था किसी भी लेवल का, ये नहीं कि न्यूट्रलाइजिंग लेवल, ये तो समझ में नहीं आता, आपने कि किसी भी लेवल का IVN एंटीबॉडीज घट भी रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका प्रोटेक्शन खत्म हो गया। हर सेल की एक लाइफ होती है, कुछ दिनों बाद वो घटता है, लेकिन ये उसके ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोटेक्शन खत्म हो गया, आपका प्रोटेक्शन अब उस डिजीज से नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने पाया कि इवन आफ्टर 7 मंथ 31 वीक तक फॉलोअप किया था, और उन्होंने ये पाया कि 31 वीक के बाद भी सिर्फ 2 RT-PCR पॉजिटिव हुए जिनका बेसलाइन में 7 महीने पहले ये था पॉजिटिव था एंटीबॉडीज लेवल, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया था, और सिम्टम्स किसी को नहीं हुए, जबकि दूसरे ग्रुप में जो है जिनमें निगेटिव था 200 से ज़्यादा लोगों का हुआ, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद आ रहा है। आप उस वे में अगर कैलकुलेट करें जिस वे में हम वैक्सीन इफिकेसी निकालते हैं तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की क्षमता भी जो है ऑलमोस्ट जो है इसमें है, जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया 94% के आसपास आएगा। अब यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है, जो सवाल इस डिसीज के और इस साइंस के पॉलिटिसाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अभी 15 दिन पहले मैं डॉक्टर फाउची का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बार बार उनका नाम आता है क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े अपर हैंड रखने वाले देश हैं इस महामारी के मामले में, और उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी को लेकर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। जब इतनी स्पेसिफिक स्टडीज आप बता रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट स्टडीज आप बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आप ये बात कह पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी को इग्नोर किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्या अमेरिका में सीरो सर्वे कर रहे हैं वो? क्या वो चेक कर रहे हैं लोगों में इम्यूनिटी आई या नहीं आई? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म उनके है? दोनों सवाल का, पहली बात तो इग्नोर करना मैं पूरी तरह सहमत हूँ, जो वेटेज मिलना चाहिए नहीं, मीडिया कवरेज उसका नहीं होता, शायद ज़्यादातर लोगों को जो है कि मीडिया कवरेज जो होता है उसी पे उनका फोकस रहता है, कई बार जो है हेडलाइंस कुछ रहती है, न्यूज़ कुछ रहता है, और ज़्यादातर लोग हेडलाइंस पढ़ के अपनी ओपिनियन बना लेते हैं, इसीलिए कई बार अगर लोग कहते हैं थर्ड वेव आएगा, बच्चों को ये करेगा, हमने पूछा कि क्या किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा है, नहीं कहा है तो फिर उसका जो है बहुत मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि इसका कोई अगर साइंटिफिक बेसिस नहीं है तो मैं उस चीजों को नहीं मानता। हाँ, साइंटिफिक बेसिस अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेट करके थर्ड वेव आएगा करके घोषणा कैसे कर सकते हैं? आप जो महामारी विशेषज्ञ हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, मुझे तो लगता है कि फ्रंट, ये बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में भी CDC है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, वो कहीं पे बैक सीट पे बैठा हुआ है, और ICMR जिसका काम सिर्फ रिसर्च करना था और रिसर्च कोऑर्डिनेट करना, रिसर्च को पेट्रोनेज देना था, वो फ्रंट सीट पे है। बहुत सारे लोग आप ही के इंस्टीट्यूशंस में जिनका स्पेशलाइजेशन कम्युनिटी मेडिसिन का नहीं है, जिनका स्पेशलाइजेशन महामारी रोकने का नहीं है, जो महामारी विशेषज्ञ नहीं है, वो फ्रंट सीट पे रहते हैं, हमेशा कैमरे के सामने रहते हैं, और ये हर जगह देखने को मिल रहा है। मैंने डॉक्टर फाउची का जो एग्जाम्पल आपको दिया था वो इसलिए दिया था कि मैं अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों पर जाना चाहता हूँ। पहली चीज़, वो सीरो सर्वे वहाँ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, वो डिनाई कर रहे हैं एक नेचुरल प्रोटेक्शन को, बार बार डिनाई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, वो कह रहे हैं कि नेचुरल प्रोटेक्शन के बावजूद वैक्सीन लगवा लीजिए। अब चौथी चीज़ पे आता हूँ सर, अमेरिका WHO की बातों को क्यों नहीं मानता है? WHO जितना वाइडली रिसर्च करता है उसकी बातों को क्यों नहीं मानता है?
बूस्टर डोज के लिए स्पेसिफिकली WHO ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि वो प्रोटेक्शन देगा, अभी हमारे पास उतना डाटा नहीं है कि हम इस बारे में कोई राय दे सकें, उसके बावजूद अमेरिका ने अपने आप बूस्टर डोज लॉन्च किया, आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम इस कंट्री में भी हम बूस्टर डोज पे स्टडी कर रहे हैं और अभी तक रियली सफिशियंट डेटा नहीं है कि बूस्टर डोज से जो है आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एंटीबॉडीज लेवल बढ़ जाना ये गारंटी नहीं कि प्रोटेक्शन मिलेगा। एंटीबॉडीज लेवल जब भी एंटीजन के कंटेक्ट में आएगा, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन के कंटेक्ट में आए या हम थ्रू वैक्सीन दे दें, तो एंटीबॉडीज लेवल बढ़ेगा। उसका काम ही है, शरीर जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको रिकॉग्नाइज करती है और एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज बनना जो है तो नेचुरल इन्फेक्शन किसी को कभी नहीं हुआ है, ये जितने हमारे लोग इन्फेक्शन हुआ है जिनकी डेथ भी हुई है उसमें भी एंटीबॉडीज लेवल अगर आप मापते तो बहुत ही ज़्यादा था, और जिनकी डेथ हुई है उनमें तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादातर डेथ जो है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण हुई है, जो ये हमारा निमोनिया डेवलप हो रहा था जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कर रहे थे, ये हाइपो इम्यून रिस्पॉन्स है। ये हाई ग्रेड फीवर आना जो है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है, वायरस के कारण से नहीं आता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारा है उसके कारण से आ रहा था। तो ये अब उन्होंने क्यों किया है इस पे कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि डेफिनेटली इसको इग्नोर किया जा रहा है नेचुरल इन्फेक्शन का, क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अगर नेचुरल इन्फेक्शन को आप प्रमोट करेंगे तो फिर आपका जो है वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वेटेज कहीं ना कहीं लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बेचना, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पुश करना। अब देखिए, अब आप अगर नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है तब भी एक वैक्सीन ले लीजिए। ये गिरजेश जी, मैं बताऊं, अगर आप साइंटिफिक एविडेंस है, जब तक नहीं था तब तक हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, स्पेकुलेशन। साइंटिफिक एविडेंस को इग्नोर करके अगर हम संभावनाओं की बातें करते रहेंगे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, इसका मतलब साफ है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है इसका कोई। अगर साइंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, हमें अब समय आ गया है, 1.5 साल से ज़्यादा का पुराना वायरस हो चुका है, काफ़ी एविडेंस जनरेट हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ इसके बारे में जानते हैं, बट फिर भी बहुत कुछ जानते हैं, और वह समय आ गया है कि हमें सिर्फ जो भी एविडेंस जनरेट हुए हैं उनका जो है सदुपयोग करें और संभावनाओं की बातें कम करें, इस पे बातें करें। मॉडर्न मेडिसिन को हम लोग कहते थे कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, हमें जो है खुशी मिलती है कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। समहाउ जो है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आता। और एज ए साइंटिस्ट, एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है हम हमेशा जो है इसको प्रमोट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं कई वीडियोस पे बना चुका हूं। मेरा एक बेसिक सा सवाल ये है, आप एविडेंस बेस्ड अगर आप बात कर रहे हैं कि आप सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, तो अभी आज की हालत में दुनिया में जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि UK ने कहा कि भारत में उसी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को हम नहीं मानेंगे जिसको हम अपने यहाँ लगा रहे हैं। हमने ये देखा कि वो हमारे वैक्सीन पासपोर्ट, हमारे जो वैक्सीन सर्टिफिकेट को डिनाई कर रहे थे, बाद में उन्होंने उसी को अलाउ कर दिया। चाइना की वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन कह रहा है हम अपने अलाउ नहीं करेंगे, चाइना उनकी वैक्सीन को अलाउ नहीं करेगा, हमारी कोवैक्सीन को कोई मानने को तैयार नहीं। तो इस तरह से हर आदमी 10-10, 12-12 टीके लगाएगा कि साइंस एक होगा अगर वैक्सीन काम करेगी या तो या नहीं करेगी। ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो देश की सीमाएं है, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ना, ये कोई साइंटिफिक बाउंड्रीज तो नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ये कैसे तय कर सकती है? और जो वैक्सीन जो ग्रीन पास है या वैक्सीन जो पासपोर्ट है, इसके लिए WHO स्पेसिफिकली कह चुका है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत है, ये भेदभावपूर्ण है, गरीब देशों के साथ अन्याय करता है, उसके बावजूद ये लागू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा हावी हो रही है और साइंस के जो सच हैं उसको छिपाया जा रहा है या दबाया जा रहा है? लगता है, अगर मैंने पहले ही कहा कि अगर संभावनाओं की बात करेंगे और एविडेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एविडेंस ये है जो हम कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। एविडेंस ये है जो भी हम पासपोर्ट इम्यूनिटी पासपोर्ट इशू कर रहे हैं उसका पर्पज ये है कि वह जो है स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन। सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन के बाद ही जो है इन्फेक्शन होने की संभावना, री इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो सकती, बहुत ही कम हो जाती है। तो री इन्फेक्शन अगर कम होगा तो आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे। वैक्सीन के बाद भी री इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन होने की संभावना अगर है तो आप ट्रांसमिट करेंगे। तो
तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इम्यूनिटी पासपोर्ट देने का कि आप एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन न लें, वह वैक्सीन पासपोर्ट से सब ये नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता है। वह सिर्फ इम्यूनिटी पासपोर्ट अगर देना है तो सिर्फ आप दे सकते हैं जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया, बाकी लोगों को हमें कहना पड़ेगा कि अभी आप प्रिकॉशन लें। जिनको हो गया है और ट्रेवल करते समय आप टेस्ट कराएं, हाँ, और एक बार करा दें, एक ही बार कराने की जरूरत है, बार बार रोज RT-PCR कराने की, बार बार हम मरीजों का भी RT-PCR कराते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। एक एक मरीजों का 50-50 बार तक RT-PCR हो चुका है, वो हर प्रोसीजर से पहले उनका RT-PCR होना या उनको जो है अननेसेसरी हरासमेंट है, एक बार हम उनका एंटीबॉडीज करा लें और उसके बाद इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि एविडेंस यही कहता है कि अगर वह एंटीबॉडीज उनकी पॉजिटिव आ गई है, मतलब उनको एक बार इन्फेक्शन हो गया, तो अभी तक जो एविडेंसेज हैं कि वो बेटर प्रोटेक्टेड हैं, उनसे ट्रांसमिट होने की इन्फेक्शन कम है, तो जरूरत नहीं है उनकी। हाँ, जिनको अभी तक नहीं हुआ है उनका हम अभी करते रहे, कर सकते हैं, और इनको एक बार सर्टिफिकेट यूज है कि बार बार हमें करने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर इम्यूनिटी सर्टिफिकेट इशू करना है, पासपोर्ट इशू करना है, उनकी पासपोर्ट, तो नेचुरल इन्फेक्शन को ही किया जा सकता है। सर, एक चीज और भी है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाली बात है। देखिए, बिजनेस का इन्फ्लुएंस हमने देखा, बड़े स्तर पे देखा, किस तरह से एक वैक्सीन को जो है किसी एक कंट्री में वो कह देते हैं कि इस तरह क्लॉटिंग हो रही है, अब नहीं लगेगी, उसके बाद वो चालू हो जाती है। उसमें बहुत सारी जगहों पे इस तरह की चीज़ें देखी। हमारे अपने देश में हमने देखा कि किस तरह से एक ICMR का साइंटिस्ट, 32 साल का यंग साइंटिस्ट, नौकरी छोड़ के चला जाता है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देता है, और उस इंटरव्यू में जो बातें वो बताता है, वो बातें ये हैं कि हिंदुस्तान में लोगों में इन्फेक्शन है या नहीं है, बीमारी का आने वाले दिनों में खतरा है या नहीं है, इसका ऐलान इस पे होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको क्या फायदा होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, ये होने वाला है, दावा बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी को लाल किले से ऐलान करने की सुविधा हो जाए कि टीका इन्वेंट कर लिया गया है, इसलिए टीके को इमेच्योर डिलीवरी करा दीजिए। बाद में वो नहीं हुआ क्योंकि मीडिया में आ गया और फरवरी तक चला, लेकिन वो एक रिटन मेल है जो उनके चीफ ICMR के बलराम भार्गव उसका। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिजनेस का इन्फ्लुएंस साइंस के अंदर हो रहा है, ये जो कैपिटलिज्म का साइड इफेक्ट है, क्योंकि कैपिटलिस्ट फोर्सेस ही पॉलिटिक्स को भी गवर्न करते हैं, इसके कारण जो साइंस है और मेडिकल साइंस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये क्रेडिबिलिटी का खतरा खड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि साख पे सवाल नहीं उठ जाता है, ये कैसा है, ये डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं ऐसा करो, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैसा करो, उठता है बिल्कुल। लेकिन जहां तक आपने प्रधानमंत्री जी और इनकी बात की, उनको हो सकता है सलाह गलत हो, क्योंकि इंटेंशन मैंने जिस तरीके से कोविड अभी शुरू हुआ था, वो जनता कर्फ्यू हो रही है, तो उसमें कहीं से मुझे इंटेंशन गलत नज़र नहीं आती। हो सकता है उनको सलाह, अगर मेरे जैसे एडवाइज़र अगर उनके हों और सलाह मैं गलत दे दूं, तो उसलिए अगर गलत ले लें, हमें इंटेंशन देखना चाहिए, हमें अभी तक ये नहीं लगा। जहां तक आपने वहां की US में जाके जो ICMR में पहले काम करते थे जिनका जिक्र किया आपने, देखिए उनका ये भी कहना था, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था, क्योंकि वह साइंटिफिक इस पे नहीं था। आज हम कुछ भी कह सकते हैं कि हमें पता था सेकेंड वेव आने का, किसी को पता नहीं था कि इस तरीके का हाईली इन्फेक्शियस ये आ जाएगा, कि उस हिसाब से अनुरूप नहीं किया गया। तो बाद में कोई भी कुछ बोल सकता है, जहाँ तक सेकेंड वेव का कि इस तरीके के खतरनाक आएगा, किसी ने इसका प्रेडिक्शन नहीं किया था, आज कोई भी कर ले, क्योंकि जो सीरो सर्वे डेटा थे हमें नहीं लग रहा था कि वायरस में इतना चेंजेस आ जाएगा, हाईली इन्फेक्शियस वायरस एक न्यू आ जाएगा, डेल्टा स्ट्रेन आ जाएगा या अल्फा भी आएगा। उस समय अल्फा आया था, उसके बाद डेल्टा आया था, हिंदुस्तान में भी पहले अल्फा आया था, तो और वह इतना इन्फेक्शियस हो जाएगा। तो उनकी बातों में जो है ये कहना कि पता हो जाता तो भी कुछ नहीं करते, देखिए केरला को पता था, नहीं कुछ कर पाए, इसराइल देख लीजिए, सबको पता है, बट वो नहीं कर पाते हैं। एक बार इन्फेक्शन होगा, अब जो देख के ये लग रहा है हमें, और एविडेंस की अगर मैं बात करूं कि वैक्सीन लेने के बाद भी मेजॉरिटी जो लोगों को इन्फेक्शन होगा और उसके बाद ही वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है जिनको ऑलरेडी हो गया। तो वैक्सीन लेने के बाद भी जो है बेस्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है आपका इन्हीं से, नेचुरल इन्फेक्शन होने से, तो उसके बाद भी इन्फेक्शन होगा। हाँ, अगर वो ससेप्टेबल थे तो उनको जो है सीवियरिटी कम होगा, इन्फेक्शन हो रहा है तो,
डेथ होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी वैक्सीन लेने के बाद, बट अगर आप नेचुरल इन्फेक्टेड को दे रहे हैं तो अभी बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। एक चीज और है सर, मैं जो अपनी चूंकि ये जिक्र छिड़ा है, उन्होंने एक स्पेसिफिक मेल जो है उसका जिक्र किया, उस मेल में अगर देखिए मेरा मानना यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई अगर एक आदमी प्रेडिक्ट कर रहा है, ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और हो सकता है कि 1000 लोगों में एक आदमी की बात सही हो और बाकी की गलत हो, ये साइंस है। हो सकता है अगर एक आदमी कुछ चीजें लेके आ रहा है आपके सामने, साइंटिफिक चीजें लेके आ रहा है कि भाई मेरा ये कहना है, तो उसको सुनना तो चाहिए। एक तो पॉइंट ये है, हो सकता है कि वो बहुत सारे लोग गलत बात कहते हैं, मैं भी बहुत सारी गलत बात कह सकता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लगभग धमकी भरा मेल गया था आईसीएमआर के चीफ का, 15 अगस्त से पहले वैक्सीन आउट करनी ही करनी है, और 15 अगस्त का जो आयोजन था वो पॉलिटिकल आयोजन था, उसमें प्राइम मिनिस्टर को भाषण देना था और वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को लाल किले से वैक्सीन का ऐलान करें, ये प्योर पॉलिटिकल था। और पॉलिटिकल होने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी कहें कि मेरे लिए आप ऐसा करिए, इसका मतलब ये भी है कि एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का चीफ पॉलिटिकल मोटिव से एक साइंटिफिक प्रोसेस में हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। ये मेरा पॉइंट था कि किस तरह से पॉलिटिक्स साइंस को डिस्टर्ब कर रही है और उसके कारण एक साइंस के ऊपर क्रेडिबिलिटी का खतरा खड़ा हो गया, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। नहीं तो आप देखिए, एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, एज ए ऑनेस्ट रिसर्चर मैं कह सकता हूँ, जब लेटर आया था, मेरे पास भी लेटर रखा हुआ है, उसी समय आप देखिए तो मैंने सारे वेबिनार इसमें भी कहा था, क्योंकि कि दिसंबर तक कोई भी वैक्सीन आने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमें कई फेजेस में रिसर्च करने होते हैं और हम पैरेलल कर सकते हैं, बट फिर भी जो है उसके मिनिमम ड्यूरेशन होते हैं। पहले 10 साल लगते थे, क्योंकि एक खत्म होता था दूसरा करते थे, दूसरा खत्म होता था तीसरा करते थे, फेजेस की मैं बात करूं। इसमें हम एक का भी सिर्फ डेटा आया, हम दूसरा पैरेलल शुरू कर देते थे, दूसरा आया तीसरा पैरेलल शुरू कर देते थे, वह कट ऑफ किया जा सकता है ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग, वेब मीटिंग करके जो है, जो एक्सपर्ट कमेटी जो है अपनी राय तुरंत देना, उस पर रिप्लाई करना, ये जल्दी हो जाता था। पहले एक मीटिंग होने में 6 महीने लगता था, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से जो है एक्सपर्ट्स की मीटिंग इजी हो जाए, तो वो सब कट ऑफ करके जो है किया जा सकता था। तो ठीक है, कोई क्या करता रहा, हमें जो है अपना ऑनेस्ट बिहेवियर रखना चाहिए अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने लोगों के प्रति। अगर हमें ईमानदार हैं और मैंने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, तो मैं वही चाहता हूं, मैं एज ए चाहता हूं कि हम हमेशा जो है ईमानदारी। अब आपके वाले ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, आप लगातार ये सारे फोरम्स पे भी कह रहे हैं और आज भी आपने बार बार इस बात को जोर देकर कहा कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है, कुदरत का टीका, भगवान का टीका जो लग जाता है, एक बार इन्फेक्शन लगता है और आपका शरीर उस वायरस को पहचान लेता है और फिर जैसे ही अगली बार वायरस आता है वो फौज तैयार कर देता है। तो अब ये जो नेचुरल इम्यूनिटी आने की बात है, ये भी बात है कि दिल्ली में बड़े स्तर पे लोगों में आ चुकी है। सरकार आपकी बहुत सारी राय आप दे रहे हैं अलग अलग फोरम पे, सरकार को बोल रहे हैं वो उसको नज़रअंदाज कर रही है, ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी विनम्रता है कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है हम ठीक से नहीं रख पाए, क्योंकि डॉक्टर संजय राय एक छोटा नाम नहीं है जिनकी ओपिनियन इस तरह से इग्नोर कर दी जाए। क्या वजह हो सकती है कि सरकार इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है? इस गरीबी में देश है, लोगों के ऊपर अंधाधुंद टैक्सेशन हो रहा है, ये सरकार दिल्ली की सरकार खुद 4 गुना पेनल्टी लगा रही है मास्क पे, इतने बड़े लेवल पे हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, टीका प्रेस कर रही है, उन पूरे हालात में टीके के पैसे वेस्ट क्यों करने हैं? अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ये हो चुका है, क्या ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि सबको टीका लगाना ही लगाना है, चाहे वो नेचुरली इम्यून हो जाए? मैंने कहा, पहले भी कहा कि एज ए साइंटिस्ट हम सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करेंगे, मैं अपनी बात बता सकता हूँ क्यों कर रहे हैं, इस पर कमेंट्स करना मुश्किल होगा। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एविडेंसेस को इग्नोर करते हैं और आप संभावनाओं पे, क्योंकि ये जो भी है सबको वैक्सीन लगा दो तो फायदा होगा, ये संभावना है की बात है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। एविडेंस ये है कि जिनको हो गया है उनको लगाने से फायदा नहीं है, नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए क्यों कर रहे हैं, ये जब तक एविडेंस मेरे पास ना हो मैं नहीं कह सकता कि ये है, और कल अगर मेरे पास एविडेंस होगा किस कारण से हुआ तो मैं बोलूँगा। मैंने कहा कि मैं ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से कहीं भी
ये नहीं तो अभी अभी आप आपकी सलाह ये है कि ये जो मास वैक्सीनेशन है ये बंद कर देना चाहिए और उसके बाद में हमारा जो फोकस होना चाहिए वो उन एरियाज पे होना चाहिए जहाँ पे अभी इम्यूनिटी लोगों के अंदर नहीं आई है और ट्रीटमेंट की रिफाइनिंग होनी चाहिए, ट्रीटमेंट और बेटर होना चाहिए ताकि जिसको हो भी जाए उसको हम वहाँ हैंडल कर सकें। ये जो हम टीके पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम अस्पतालों और मेडिसिन की रिसर्च पे खर्च करें, ये कहना चाह रहे हैं। जी मैं दो तीन बातें बता दूँ, बिल्कुल जिनको इन्फेक्शन हो गया है उनको देने की जरूरत नहीं है, जो रिकवर्ड हो गए हैं उसके दो तीन कारण हैं। पहला जो कारण है उनको अभी तक कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, उनको एडिशनल बेनिफिट नहीं है तो यह रिसोर्स का वेस्ट होगा। दूसरा है हो सकता है जो टीके से संबंधित अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो उन पे होगा, उनको हम दे सकते देने से फायदा है। जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन जिनको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनमें हम सीवियरिटी और डेथ को रोक रहे हैं तो इसलिए उनको देने से फायदा है। अगर ज्यादातर पॉपुलेशन को हो चुका है तो वहाँ टीका देने से कोई फायदा नहीं है, उस इंडिविजुअल को नुकसान होने की संभावना है, ये हो सकता है। थर्ड जो है हमें इस ग्रुप को मॉनिटर करते रहना चाहिए, जो जिनको इन्फेक्शन हो गया है वो इसलिए मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हमें बता पाए कि इस ग्रुप को प्रोटेक्शन बेटर है, कहीं अगर कल इम्यूनिटी इनकी कम होती है इनको इन्फेक्शन होने लगता है तो दें। साइंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि लंबे समय तक अगर हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया तो हम कभी नहीं कह पाएंगे कि इस डिजीज में यह जो है बेटर प्रोटेक्शन दे रहा था, या कल अगर वैक्सीन का लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इससे कंपेयर करके जो है ये कह सकते हैं कि देखिए वैक्सीन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हम किसी भी ड्रग की प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म पर हो सकती है। पहले भी हमने कुछ ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया था जो बहुत ही अच्छी ड्रग्स थी, बाद में उसको विड्रा करना पड़ा। मैं थैलिडोमाइड ड्रग की बात करूं, प्रेगनेंसी में उल्टी के लिए होती थी, मैं उसको देना शुरू किया था, 10 साल तक हमने दिया और तब पता चला कि जितने क्लेफ पैलेट हो रहे थे, ओठ कटे हुए या अपाहिज लोग पैदा हो रहे थे उस ड्रग के कारण से हो रहे थे, उसको फिर हमने बंद किया कि प्रेगनेंसी में नहीं देना। आज भी यूज किया जाता है, वो उल्टी को रोकने के लिए दी जाती थी। तो वह हमें अगर दूसरे ग्रुप से कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम कभी नहीं पता कर पाएंगे, इसलिए भी साइंस के लिए इसलिए भी जरूरी है न देना, उस ग्रुप को मॉनिटर करते रहना जिनको इन्फेक्शन एक बार हो चुका है कि उनमें रियली री इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं, सीवियरिटी होने के चांसेस कितना है। जिस दिन ये लग जाए कि री इन्फेक्शन के चांसेस हैं, सीवियरिटी होने के चांसेस, उस दिन आप हमें देना चाहिए, तब तक नहीं देना चाहिए। और प्लस हम दो ग्रुप रहेगा तभी हम कह सकते हैं कि कौन सा ग्रुप बेटर प्रोटेक्टेड है, किस ग्रुप में जो है संभावना है ड्रग के कारण से लंबे समय तक कुछ प्रॉब्लम आने की। इसलिए अगर साइंस की मैं बात करूं, जो कि मैं सिर्फ साइंस की ही बात करूंगा, तो उसलिए भी जरूरत नहीं। इन तीन कारणों से जो है मैं सोचता हूं कि जिनको ऑलरेडी हो गया है समाज के लिए और साइंस के लिए जो है उनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। दूसरा मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये मानते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं जैसे आपने कहा दो ग्रुप में, ये और सरल कर दूं मैं दर्शकों के लिए कि दो ग्रुप में आप बांट के क्या करते हैं, एक समूह अलग लेते हैं दूसरा समूह अलग लेते हैं, दोनों पे नज़र रखते हैं कि इस बगैर दवा के और मय दवा के, बगैर टीके के मय टीके के, इस तरह से दोनों के ऊपर क्या अलग अलग असर हो रहा है। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपने कहा कि नेचुरल इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए, उस पर स्टडीज़ होनी चाहिए, आपने ये भी कहा कि हमको जो है स्टडीज़ अपनी पढ़ानी चाहिए और लोगों को वैक्सीन बिला वजह नहीं देनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपने कही। अब लेकिन आपका अभी तक का अनुभव ये कि ये आपकी सलाह जो है उसको अभी सरकार के कान के पास तक नहीं पहुंची है, साइड से निकल गई है या उसने ध्यान नहीं दिया है, अब फर्दर आगे आप क्या करने वाले हैं, क्या इसको हायर एस्केलेट करेंगे, किसी हायर लेवल पर लिखेंगे या आप कुछ ग्रुप बना के कुछ कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ साइंटिफिक स्टडी का होने के साथ साथ जनरल इंटरेस्ट का भी है, लोगों की भलाई का भी है, तो क्या इसको आप एक कैंपेन के तौर पे लेंगे? देखिए एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, हमारा मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ और इसीलिए कहता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है तो अपना टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। आप देखिए हम सुबह 8 बजे आते हैं, संडे को भी मैं बैठा हुआ और ये भी मेरा ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, रात के साथ 8-9 बजे तक बैठा रहूँगा, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी मानते हैं, मैं वह जिम्मेवारी निभाता रहूँगा, बताता रहूँगा और आज नहीं कल मानेंगे। देखिए हो सकता है एविडेंसेज उतने उनको ना लग रहे हों,
एविडेंसेज हम बताते रहे और बहुत सी बातें मानी गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं माना गया है। स्कूल खोलने से लेके कि स्कूल खोल देना चाहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन चाहिए कि स्कूल खोल देना चाहिए, वो अननेसेसरी डिले किया जा रहा था, उसके पीछे भी क्या मनसा थी कोई साइंस नहीं था। दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों में स्कूल खुल चुके, फिर भी हम बंद रखे हुए थे। दिल्ली में अभी भी प्राइमरी स्कूल को नहीं खोल रहे। हमने तो ये कहा था कि प्राइमरी स्कूल को पहले खोलना चाहिए, जिसमें बिल्कुल ही नहीं संभावना है मॉर्टलिटी की और सीवियरिटी की। उन बच्चों को तो इन्फेक्शन भी हो चुका है, हमें पता नहीं चला। दिल्ली सीरो सर्वे की अगर बात करें तो इस देश में करीब 18 साल से कम के 45 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, 27 करोड़ को इन्फेक्शन हो गया, हमें पता भी नहीं चला और उनको इम्यूनिटी डेवलप हो गई। उसके बाद भी हम कहते हैं कि बच्चों में थर्ड वेव आएगा, बच्चों को प्रॉब्लम देगा। तो हमारा काम है हमें लोगों को बताते रहना, हम बताते रहेंगे, सरकार को भी बताते रहना और सरकार सुनेगी, ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास रहता है कोई भी सरकार वह सुनेगी, वह सरकार को सुनाएंगे। अभी जो है जैसे मैं जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट का ये था, कहीं से रेशनल नहीं लगा कि सबको मैंडेट किया जाए और आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं, वह शायद रेशनल है। साइंटिफिक अगर इस पे देखें तो सही नहीं है, उसको उनको बताना पड़ेगा कि नहीं यह जो है गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। सर एकदम एकदम एक्सट्रीम है, एकदम इंटरव्यू खत्म करने से पहले एकदम एक्सट्रीम में मैं आपसे पूछूं कि जो हिंदुस्तान में मैंडेटरी वैक्सीनेशन तो नहीं है, वॉलंटियर है और वॉलंटियरी है और इसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार के भी अपने कम्युनिकेशन है कि नहीं है मैंडेटरी, उसके बावजूद पूरे देश में ये अलग अलग जगहों पे टुकड़ों टुकड़ों में मैंडेटरी करते रहते हैं। तो अब आपकी क्या राय है एकदम सीधे सीधे में कि क्या मास वैक्सीनेशन बंद कर देना चाहिए इस तरह से कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के टीका लगा रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं, और लोगों को भी अब एजुकेट करना चाहिए कि भैया आपको एक बार बुखार आ गया या आपके अंदर एक बार पॉजिटिव निकल आए हैं आप, तो अब आप मत लगवाइए, जरूरत नहीं है, क्या ये करना ठीक रहेगा, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं देखिए, जहाँ तक लाइफ की बात है, जिस तरीके से सेकेंड वेव में डेथ्स हुई हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपको बुखार हुआ। बुखार बहुत से कारण से होता है, उसका प्रूफ लेने के बाद अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया तो एक एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाए, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, एंटीबॉडीज करा के तब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नुकसान वहाँ फायदा होने की संभावना नहीं है, नुकसान होने की संभावना है। इसलिए शायद एक ही बार टेस्ट कराना पड़ेगा। हम एंटीबॉडीज टेस्ट पे अब हमें जो है ज़्यादा भरोसा, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन में आप मांगेंगे यह है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड है, वह करके जो है और फिर उनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। आज की डेट तक जो यह है वह करना चाहिए, और जिनका निगेटिव आ रहा है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंटेड कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उनको देने की, और यही बात हमने पहले भी कही थी कि जिनका कोविड डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन है उनको देने की जरूरत नहीं है। चाहे वो RT-PCR, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का RT-PCR का डेटा है हमारे पास, एटलीस्ट उनको हम स्पेयर कर सकते थे। बाकी लोगों का जो बार बार हम RT-PCR कर रहे हैं, उसकी जगह पे एक बार सिर्फ एंटीबॉडीज टेस्ट कर लें। जितना RT-PCR एक बार का खर्चा है उतना ही इसका भी खर्चा है, उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वह कर लें और उनको हम बता दें कि आपको जो है देने से अभी फ़ायदा नहीं है, उनको मॉनिटर करते रहें, और जब हमारे पास एविडेंस जनरेट हो जाए कि उनको देने वह रिस्क पे हो गए हैं, तो हमें उनको बचाने के लिए अगला कदम। तो अगर शॉर्ट में समझे तो अब ज्यादा फोकस जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट पे होना चाहिए। ये देखिए कि किस आदमी के अंदर इम्यूनिटी आ गई है, अगर बगैर टीके के भी आ गई है तो उसमें बुराई क्या है। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि एक आदमी के अंदर बगैर टीके के इम्यूनिटी आ गई है, अब उसको 2 साल बाद उसको अगर कोविड होने लगता है लोगों को, तो दे देना टीका, आप कौन रोक रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोविड उसके बाद भी होने लग रहा है और सीवियरिटी हो रही है, कोविड होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सीवियरिटी हो रही है, डेथ भी होने शुरू हो जाती है, तो हमें देना चाहिए। कोविड तो होगा ही होगा, इम्यूनिटी के बाद भी होगा, ऑब्वियसली हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, उसकी संभावना, बट संभावना कम हो जाती है। एक बार इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, कोविड रिकवर्ड है, तो उसकी संभावना, री इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो सकती है, बट है संभावना है, बट सीवियरिटी और डेथ की ऑलमोस्ट संभावना बहुत ही कम हो जाती है उसके बाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सारे मुद्दों पे एकदम साफ साफ अपनी राय रखी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये बगैर संकोच के जो साइंटिफिक चीज़ें हैं विज्ञान के नज़रिए से उनको साफ साफ रखा। हम लगातार ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो साइंस से अलग जाके बहुत सारे लॉजिक्स दे रहे हैं, वैक्सीन को लेके वैक्सीन की वैलिडिटी को मानते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए, फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है और कितनी है कितनी नहीं है, इस पे आज बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इंटरनेशनली जो लोग इस पे काम कर रहे हैं
उनको भी थोड़ा, और खास तौर पे मुझे जो अमेरिकन रवैया लगता है अलग अलग चीज़ों पे जो नीतियां हैं, ये मेरी अपनी ओपिनियन गलत हो सकती है, वो रवैया बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा है, मार्केट ओरिएंटेड ज़्यादा है, उससे बचने की ज़रूरत है। हमारे अपने देश के लोग बहुत हमारे लिए अहम है, उनके प्राण महत्वपूर्ण हैं, और ये माने या ना माने दवाओं के कुछ के रेयर, किसी के रेयर रेयर, इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट तो हैं ही। अगर आप किसी व्यक्ति को जो ऑलरेडी इम्यून हो चुका है, एक तो सरकार उसके ऊपर ₹250 करके खर्च करे पैसे, उसके बाद में उस आदमी को एक तो देश के पैसे खर्च हो, बहुत सारी आबादी है, और उसके बाद में पता चला कि वो उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी है और आपने टीका देके उसका साइड इफेक्ट और उसके सर मर दिया, उससे अच्छा ये है कि सरकार सोच समझ के एंटीबॉडी टेस्ट करे और उसके बाद में जो है वो अगर देखे कि आदमी के अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो टीका लगाए। ये निचोड़ आज के कन्वर्सेशन का निकल रहा है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप कुछ करेक्ट करना चाहें मुझे तो कर सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, ये देखिए अगर आप मुझे थोड़ा भी देखा होगा, और ये पिछले 2 साल से जब से कोविड 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैं हमेशा एविडेंस की बात करता रहता हूँ, और एविडेंस के अलावा हम मेरा ये मानना होता है कि अगर साइंटिफिक कम्युनिटी चुप रहेगी और एविडेंस की बात नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, खत्म भी करेंगे। चलिए विदा लेते हैं लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आपने धैर्यपूर्वक सुना, एक अच्छा कम्युनिकेशन था। डॉक्टर संजय राय का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, वैसे तो वो दफ्तर में काम ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खासतौर पर जो महामारी विशेषज्ञ होते हैं उनकी एक खास चीज़ और होती है कि वो केवल एक दफ्तर में एक मरीज नहीं देख रहे होते हैं, उनको पूरी सोसाइटी को देखना पड़ता है, इसलिए उनका काम कभी खत्म नहीं होता। उस समय में से ये समय उन्होंने जागरूकता के लिए निकाला, आपके सबके लिए निकाला, मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।